ये देखिए सिटिंग एरिया है। बहुत अच्छा पूल है, आप भी यहाँ आए आपको मजा बहुत आएगा। आपको कैसा लगा रिजॉर्ट? मैं इधर से तो ओके के साथ ही, मुझे इतना पसंद आते हैं, लेकिन ये बेस्ट। ओ भाई, मेरी जौजा मोहतरमा को गिरा मत दिएगा। अरे माँ, फार्म हाउस में आपकी फैमिली बहुत सिक्योर होती है, ऐसे ही है ना? ये उसका सेकंड रूम है, फ्रीजर की सहूलत मौजूद है यहाँ पे, यहाँ का किचन है, तीसरा रूम है, पूल बहुत पसंद आया है, ये जबरदस्त माहौल है। लाइट का कोई ऐसा इशू तो नहीं है, लोग ऐसी फैमिलीज आती हैं जो म्यूजिक सुनना पसंद करती हैं, किसी चीज का मना है नहीं कर सकती। इतने दिनों बाद आप इसका पानी जो है वो जैसे और आज तो अभी हम बुकिंग के लिए जा रहे हैं, अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां पे जाने का इरादा है, तो इंशाल्लाह ताला आज जाके वहां की हम वीडियो शूट भी करेंगे और क्या क्या फैसिलिटीज उस फार्म हाउस में मौजूद है इंशाल्लाह ताला जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारी वीडियो से जुड़े रहिएगा और पूरी वीडियो को वॉच करिएगा। तो वीडियो बढ़ाते हैं आगे। सो व्यूअर्स, हमने अपना सफर मलीर कैंट चेक पोस्ट नंबर 2 से स्टार्ट किया था और यहाँ से टोटल 20 मिनट का रास्ता 20 मिनट में हम दोआ रिजॉर्ट पहुँच गए थे। हम बेगानी मोड़ पे मौजूद हैं, यहाँ से हमने लेफ्ट टर्न करना है, इस जगह को आपने याद रखना है, यहाँ से 2 से 3 मिनट की ड्राइव है, फिर यहाँ से हम राइट साइड पे मुड़ जाएंगे, यहाँ पे 1 से 2 मिनट की ऑफ रोड है और ये देखें अब आपके सामने सीधे हाथ पे दोआ रिजॉर्ट आ चुका है, ये इसका बिल्कुल मेन दरवाज़ा है। क्रिकेट के लिए यहाँ पे बहुत जबरदस्त पिच बनी हुई है, जिनको क्रिकेट का शौक है यहाँ पे बहुत मजा आने वाले। दोआ रिसॉर्ट के नाम से ये जगह है, ये देखें बहुत अच्छी बैठने की जगह दी हुई है, इसी तरह बच्चों के लिए ये तरह तरह के झूले हैं यहाँ पर, ये देखिए सिटिंग एरिया, ये यहाँ पर बिलखसूस खाने पीने के लिए बहुत ज़बरदस्त डाइनिंग टेबल का इंतज़ाम है। ये यहाँ पे रूम्स हैं, अभी हम रूम्स का विज़िट कराते हैं आपको। ज़बरदस्त, ये देखें आप इंडोर गेम्स, इसके बाद ये है आप देख सकते हैं माशाल्लाह स्नूकर की बेस्ट प्लेयर इस वक्त मौजूद हैं और बेहतरीन मार दिया, ये देखें बहुत ही जबरदस्त मार दिया इन्होंने, ये ऐसा करेंगे आप, इस तरह से जीतेंगे आप, ऐसे तो नहीं होता है, पट्टी खेले ना, ना ला भाई पकड़ो आ जाए, हो जाए ना ना, ये टिक्का बोटी आपके सीख गए, ये होगा ना मजा, अब देखते हैं। हाँ चलो देखिए, सही है,
और ये उफ़ला बहुत ही भाई, कोई रट्टू तोता जिसे मारे ऐसे नहीं खेलते। ये देखिए आप, ये लिया आपने और आए हाय मेहमानी है। अरे वाह क्या बात है, यहाँ पे सिटिंग एरिया है, बहुत ही साफ सुथरा और बहुत अच्छा यहाँ पे सुथराई का इंतज़ाम है। फर्स्ट रूम यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है और बहुत ही साफ सुथरा है। अब मैं आपको दूसरे कमरे में लेके चलता हूँ, ये उसका सेकंड रूम है। साफ सुथरे वॉशरूम है, यहाँ पर रिफ्रीजर की सहूलत मौजूद है, यहाँ पर किचन है और ये यहाँ का तीसरा रूम है। चलते हैं पूल की तरफ, बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा सा छोटा पूल बनाया हुआ है, ये छोटे बच्चों के लिए साथ बिल्कुल बड़ा पूल है। और मौजूद है पूल, बहुत पसंद आया है, इस तरह का यहाँ पे ख्याल रखा गया, बहुत ही ज़बरदस्त। हमारी पूरी फैमिली आएगी, इनके चार्जेस क्या हैं वो हम वीडियो में मेंशन कर देंगे इंशाल्लाह। इस फार्म उसके जो है केयर टेकर मौजूद हैं, पूछते हैं कितनी सफाई सुथराई यहाँ पे होती है, इस पूल का पानी कितने दिनों बाद चेंज किया जाता है, बारे में बताएं कि यहाँ पे लाइट का कोई ऐसा इशू तो नहीं है ना कि लाइट चली जाती है या किसी चीज़ पे पाबंदी है। फैमिलीज आती हैं जो म्यूजिक सुनना पसंद करती हैं, तो ऐसा तो नहीं है किसी चीज़ का मना है कि यहाँ पे लाइट वगैरह 24 घंटे यहाँ पे होती है, हमारा सोलर सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है सर, जैसे सोलर बंद हो गया तो जनरेटर स्टार्ट हो गया। मुझे ये बताएं कि जो पूल का पानी है, माशाल्लाह काफी बड़ा सारा पूल है, साफ सुथरा है, लेकिन मुझे ये बताएं कि कितने दिनों बाद आप इसका पानी जो है वो चेंज करते हैं। हमारी पार्टी आती है ना तो हम लोग इसकी सफाई वगैरह करके आधा पानी नया चेंज करते हैं, रोजाना चेंज करते हैं। ठीक है, उसकी जो है दिन की और नाइट की टाइमिंग क्या है? सुबह को पार्टी आती है 9 बजे तो वो शाम को 6 बजे खाली करेगी, रात को पार्टी आती है वो 9 बजे उनकी टाइमिंग होती है, वो सुबह 7 बजे खाली करेगी। फैमिली यहाँ पे आती होगी पिकनिक करने के लिए तो लोग डिमांड करते होंगे कि हमें साउंड सिस्टम भी चाहिए, तो क्या अवेलेबल है यहाँ पे? यहाँ चार्जेस मुझे बता दें। स्पीकर जैसे 24 घंटे की होती है तो हम लोग 3,000 लेते हैं, अगर 12 घंटे की होती है तो हम 1,500 लेते हैं, इससे बड़ा स्पीकर चाहिए होता है तो उसके हम 5,000 लेते हैं। जो भी लोग यहाँ पे आते हैं तो वो अपना खाना साथ लेकर आते हैं, खाना उन्हें पहुँचाते हैं, कोई डिलीवरी देते हैं वो भी फ्री? कुछ लोग रहते हैं जो अपना खाना लेके आते हैं, कुछ लोग यहाँ पे आते हैं जो वो अपना मंगवाना चाहे तो हम उनको सर्विस पूरी देते हैं, लाके देते हैं। इससे चार्ज होते हैं, बस आप लोग जो है डिलीवरी दे देते हैं यहाँ पे जी, फ्री लाकर जो है ना। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताया कि यहाँ पे आने के बाद कोई बारबेक्यू पार्टी करना चाहे तो उसके लिए क्या इंतजाम है? वहाँ पे अंगेठी लगी हुई है, सब कुछ सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ पे सेटिंग एरिया भी बना हुआ है, अंगेठी है, वो अपना बबरची लेके आते हैं, खुद बना सकते हैं। अगर कोई सामान लेकर आ जाए और कुक आप लोग अवेलेबल कर देते हैं? हाँ बोलते हैं तो मैं मंगवा के देते हैं। गिर मत जाना, ये स्लाइडिंग है और ये स्लाइडिंग पे चढ़ने की जगह। हाँ बस भाई, बहुत अच्छा पूल है, आप भी यहाँ आए आपको मजा बहुत आएगा। नहीं झूले वगैरह भी मौजूद हैं। ओह माय गॉड, जबरदस्त प्ले एरिया यहाँ पे, यानी ओ भाई एहतियात से गिरा मत देना, मेरी जौजा मोहतरमा को गिरा मत दिएगा आप, मैं भी आ रहा हूँ। मजा आया, गर्मी हो रही है यार, तो इसको कितना मजा आ रहा है झूला झूलने में। छोटी बच्ची हो क्या? चले भाई, सीटिंग एरिया भी बहुत बेस्ट है यार माशाल्लाह, और क्या चाहिए, वार्ड है सबकी अपनी अपनी सीट है। मतलब कुछ भी हस्बैंड के साथ आए ये कुछ नया नहीं।
वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ये रिजॉर्ट बहुत पसंद आया, इधर से तो ओके है, साफ सुथरा, बहुत लुक वाइज बहुत खूबसूरत बनाया है, सिटिंग एरिया बहुत जबरदस्त है ना, पूल बहुत साफ सुथरा है, दूर नहीं है। ये मरीज सऊदाबाद वाले तो बहुत ही आराम से यहाँ पर अच्छी पिकनिक बना सकते हैं फैमिलीज के हवाले से, किसी भी किस्म की। चूंकि फार्म हाउस में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि फार्म हाउस में आपकी फैमिली बहुत सिक्योर होती है, ऐसे ही है ना। हाँ, ऐसे ही। और सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको इस वीडियो में दे दी है और आपके लिए बहुत यूजफुल भी रहेगी अगर इसको देखने के बाद आप इस वाले फार्म हाउस में आएंगे। नीचे नंबर मेंशन कर देंगे इंशाल्लाह ताला, इसके क्या चार्जेस हैं, वीकेंड डेज में क्या चार्जेस हैं, नाइट और डे के जो भी चार्जेस होंगे इंशाल्लाह ताला वो हम आपको वीडियो के इंशाल्लाह ताला वो मेंशन कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक चाहते हैं आप लोगों से इजाजत, किसी नए वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।